पंचायत चुनाव की आरक्षण लिस्ट जारी होने के बाद रायबरेली में भी चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। आपको बता दें कि लगातार प्रत्याशी मैदान में उतरने लगे हैं। इसी क्रम में राही द्वितीय से प्रत्याशी हिमांशु सिंह ने हमारे संवाददाता धीर शुक्ला से खास बातचीत की। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पंचायत चुनाव की लिस्ट आरक्षण लिस्ट जारी होने के बाद प्रत्याशी मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं। आज राही द्वितीय से प्रत्याशी हिमांशु सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। इससे बात करते हैं और जानते हैं किस प्रकार से ये चुनाव लड़ेंगे और क्या रणनीति रहेगी, जो आम जनता के बीच में जा रहे हैं उनकी क्या राय है। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं और जानते हैं किस प्रकार से ये आम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और लोगों का क्या कहना है। भैया सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी आपका। भैया किस प्रकार से जो आप जा रहे हैं जनता के बीच में और जनता की क्या राय रहेगी और जनता क्या कहती है और आपकी क्या राय रहेगी इसमें? देखिए सर, प्रथम तो सभी क्षेत्रवासियों को नवरात्रि और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रत्याशी हूँ राही द्वितीय से रायबरेली जिला पंचायत पद का और मैं अपने क्षेत्र में क्षेत्र के विकास के लिए, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जो सरकार की योजनाएं आती हैं वो धरातल तक जो नहीं पहुंच पाती हैं उनको ज़मीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए और हर गरीब पीड़ितों की आवाज़ बनने की कोशिश मैं बराबर करना चाहता हूँ। आप आम पब्लिक के बीच में जब जाते हैं तो वहाँ की जो पब्लिक रहती है वो क्या कहती है? देखिए, पब्लिक का जो रुझान है, पब्लिक की जो समस्याएँ हैं वो इतनी जनता पीड़ित है, जो इससे पूर्व में जो रह चुके हैं, निवर्तमान हो या इससे पूर्व के प्रत्याशी रहे हों, जिनको जनता ने जिता करके भेजा, जनता की नाराज़गी उनके प्रति क्षेत्र में काफ़ी देखने को मिल रही है। क्योंकि पब्लिक का कहना है, जनता का कहना है कि जो योजनाएं हैं जो सरकार दे रही है वो हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हम तक पहुँचा नहीं रहे। तो मैंने सबको आश्वस्त किया कि एक बार हमारे हाथों को आप मजबूत करें और एक ऐसा रिश्ता कायम किया जाए अपने और हमारे और आपके बीच में कि कम से कम बिकाऊ नहीं टिकाऊ चुने। मैंने लोगों को यही समझाने का प्रयास किया कि जो जिला पंचायत आज की जो मनोधारणा लोगों की बन चुकी है वो भैया राजनीति और जनसेवा से परे है। कुल मिला के लोग जनसेवा की भावना से मैदान में नहीं आते हैं, वो जब क्षेत्र में तो आएंगे बताएंगे कि भैया मैं जनसेवा कर रहा हूँ, लेकिन कुछ दिन पश्चात जब वो जीत के आगे बढ़ते हैं और उसके बाद उनकी जो खरीद फरोख्त और व्यवसायीकरण होता है, इस व्यवसायीकरण के बाद वो जनता की सेवा करने और उनकी स्थिति या जो क्षेत्र के विकास है उन मुद्दों को वो एकदम से नकार के किनारे करके वो सिर्फ अपने और अपने स्वयं के विकास में लग जाते हैं। तो मैं सभी मतदाताओं से, सभी बूढ़े बुजुर्गों से यही अपील करना चाहता हूँ, अब तक जो गलतियाँ आप लोगों से हुई, जाने अनजाने में हो या किसी के बहकावे में हूँ, तो आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है और निवेदन है कि इस बार ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति ना की जाए किसी भी स्तर पे। मैं तो प्रत्याशी हूँ, मेरा काम है मांगना, मैं तो वोट मांगने आपके बीच आऊँगा ही, लेकिन आपका अधिकार है मतदान करने का और आप अपने अधिकार का समुचित प्रयोग करें और अपने अधिकार से मतदान करने अवश्य जाएं और लोगों को भी साथ में अगल बगल पड़ोसियों को जागरूक करें कि नहीं मतदान करना है और ऐसे प्रत्याशी का हमको चुनाव करके जनप्रतिनिधि बनाना है जो कि मूलभूत आवश्यकताओं को, मूलभूत जन सरोकार के मुद्दों को हमारे उठा सके और सरकार की योजनाओं को हमारे बीच में ला सके, जिससे कि हमारे क्षेत्र का, हमारे गाँव का, हमारे गली का, हमारे कोने कोने का, हर गाँव घर का विकास हो सके। आप जीतने के बाद किस प्रकार से आम जनता के बीच में रहेंगे और क्या कैसे विकास करेंगे, क्या तैयारी की? देखिए भैया, विगत 10 वर्षों से मैं शहर महामंत्री के पद पे कांग्रेस पार्टी में आसीन रहा और रायबरेली का हर एक प्रत्येक नागरिक जानता है कि हिमांशु सिंह ने किस तरह से जनसेवा की है, चाहे वो कोरोना काल रहा हो महामारी के दौरान या फिर गरीब शोषितों और वंचितों को जो भी मदद मुझसे हो सकती थी मैंने सबकी भरपूर सहायता की, भरपूर मदद की। और मेरा एक ही उद्देश्य है जीवन में कि मैं गरीबों की आवाज़ बनूं, गरीबों के साथ उनके हर दुख दर्द का भागीदार बनूं और हर पल उनके बीच में मौजूद रह सकूं। बस ऊपर वाले से यही कामना करता हूं कि आप हे प्रभु, हे माँ भगवती, इतनी शक्ति दें, इतना आशीर्वाद लोग मुझे दें कि मैं हर पल, हर क्षण,
हर गरीब के बीच, हर परिवार के बीच अपने क्षेत्र में बना रहूं और लोगों की सेवा करता रहूं। जी धन्यवाद। जो हिमांशु सिंह राय दूती के जो प्रत्याशी है वो हमारे साथ मौजूद थे, उनका साफ तौर से कहना है कि जो बिकाऊ नहीं टिकाऊ चुने। धीरज शुक्ला, लाइव 24 रायबरेली। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।